महिलाओं का प्रवेश माता रानी का अपना कृपा ही है कि माता रानी नहीं चाहती है कि महिलाएं हमारे यहाँ कुछ उनकी होगी। एक दो महिलाएं ऐसी एक बार अपनी जिद में आ चुकी हैं और उनका दुष्परिणाम हुआ है कि उनका मानसिक स्थिति खराब हो गई और कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया। एक तरफ नारी शक्ति के रूप में नवरात्र की पूजा होती है जहाँ माँ दुर्गे की पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मंदिर है जहाँ नारियों का प्रवेश वर्जित है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बोकारो जिले में एक ऐसा मंदिर जहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, जहाँ महिलाएं पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। यह मंदिर बोकारो मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कसमार प्रखंड में स्थित है, जो माँ मंगला चंडी के नाम से प्रचलित है। यहाँ महिलाएं मंदिर के करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही रहकर पूजा पाठ करती हैं और प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर की पुजारी को दूर से ही दे देती हैं। मंदिर के पुजारी मंदिर आकर दूर बैठी महिलाओं को प्रसाद ले जाते हैं और फिर मंदिर के पुजारी के द्वारा पूजा पाठ कराने के बाद मंदिर से दूर बैठी महिलाओं को प्रसाद दिया जाता है। इस दौरान मंदिर से दूर बैठी महिलाएं वहीं से पूजा पाठ करती हैं, वहीं से अगरबत्ती जलाती हैं एवं मंगला चंडी की आराधना करती हैं। बता दें यहाँ जो बकरे की बलि होती है वह प्रसाद भी महिलाएं ग्रहण नहीं करती हैं, बलि फल लड्डू चढ़ाया जाता है उसी का सेवन करती हैं। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ बिहार बंगाल और झारखंड से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जहाँ मन्नतें पूरी होने के बाद दोबारा इस मंदिर के दर्शन करने पहुँचते हैं। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि यह बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है जहाँ महिलाओं का इस मंदिर में प्रवेश नहीं है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। दूर से ही पूजा पाठ करने से सारी मन्नतें पूरी हो जाती है और माँ मंगला चंडी सभी की मंगल कामना को पूर्ण करती है। महिलाओं का कहना है कि माँ मंगला चंडी को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मन ही मन में पूजा करते हैं और आराधना करते हैं। सारी मान्यताएं और मान्यताएं भी सुने हैं कि ये मंदिर जो प्राचीन कालों से ही बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे ज़्यादातर से औरतें और महिलाएं यहाँ अंदर नहीं घुसती हैं। कुछ दिनों पहले ही मेरी शादी हुई है, पर मेरी सास मेरी जेठानी वगैरह सब बोलती हैं कि यहाँ पे औरतें नहीं घुसती है। एक बार शायद यहाँ पे एक औरत अंदर घुस गई थी और वो पागल हो गई थी। लेकिन इस ये मंदिर बहुत ही मतलब जितने भी लोग मन्नतें मांगती हैं और दूर से ही घर से ही बहुत सारे श्रद्धालु भी यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु दूर दूर से अपने मनोकामनाएं लेके आते हैं और इनके पूरे भी होते हैं। हर मंगलवार को यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है और बहुत सारे लोग इस मंदिर में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करके ही गए हैं और हम भी आज आए हैं माँ का जयकारा लगाने। जान रहे हैं कि महिला मंदिर में सिर्फ पुरुष पूजा करते हैं, हम लोग बाहर में रहते हैं, पूजा करने से आते हैं। किस चीज़ का मंदिर है ये? माँ कैला शरीर मंगल चंडी के नाम से जाना जाता है। हम लोग तो माँ का दर्शन भी नहीं करते बताने के लिए। तो यही आप लोग आते हैं तो कहाँ पूजा, बाहर में? हाँ, हम लोग यहीं रहते हैं, आके पंडित जी ले जाते हैं प्रसाद, फिर वहाँ से पूजा करके फिर ला देते हैं, हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बकरा बलि भी होता है लेकिन जेंट्स खाते हैं, लेडीज कुछ नहीं खाता। अरे जो सूखा प्रसाद नारियल मिश्री ये सब हम लोग लेडीज जेंट्स सब खा सकते हैं, लेकिन जो यहाँ बकरा बलि होता है वो सिर्फ जेंट्स खाते हैं। अच्छा, ये कब से पूजा हो रहा है? ये तो बहुत पूर्व से चल रहा है, आज से हमको तो पता नहीं, लेकिन बहुत दिन से, जब से तो जान रहे तब से हो रहा है। मंदिर में आप लोग प्रवेश करेंगे? हाँ, मंदिर नहीं जाना? नहीं, मंदिर के बाहर में महिला को, जेंट्स मंदिर वहाँ जाकर पूजा करते हैं। सुधा महिला की मने कुंवारी लड़की भी नहीं जा सकती? कोई नहीं, लेडीज में कोई नहीं, सिर्फ जेंट्स जाते हैं, हम लोग माँ का यहीं से मन से प्रणाम करते हैं। वही पुजारी की माने तो यह मान्यता 150 साल से चली आ रही है जहाँ महिलाओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। माँ मंगला चंडी का यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पुरुष श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर महिलाएं बैठकर वहीं से आराधना करती हैं, जिसके लिए स्थान चिन्हित कर दिया गया है और उसके अंदर प्रवेश करना महिलाओं को वर्जित है। वहीं पुजारी की माने तो एक बार ऐसी घटना सामने आई थी जहां एक महिला मंदिर के अंदर प्रवेश कर पूजा पाठ कर रही थी तो वह पागल हो गई
कुछ दिनों के बाद उनका देहांत हो गया, जिसके बाद महिलाओं का प्रवेश वर्जित माना जाता है और महिलाएं दूर से ही पूजा पाठ करती हैं। इस दौरान पुजारी उनसे प्रसाद लेकर मंदिर में आते हैं और भोग चढ़ाकर फिर वापस महिला श्रद्धालुओं को दे दिया जाता है। पुजारी की माने तो मंदिर में बलि प्रथा भी चलती है, जहां बलि दिए हुए बकरे का प्रसाद महिलाएं ग्रहण नहीं करती है। केवल फल, नारियल और बतासा जो भोग के रूप में चढ़ता है, महिलाएं वह प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। यहाँ हर मंगलवार को पूजा पाठ होती है। स्थापना तो मेरे दादाजी लाए थे एक पत्थर को, और उन्होंने अपने घर के अंदर एक बेल गाछ के नीचे रखे थे। उस टाइम राजा जगदम्बा प्रसाद जी थे। जब ऐसे ही सपना में आए भगवान तो माँ को यहाँ स्थापना की, तो आज ये माँ प्रसिद्ध। क्या मान्यता है के नाम पर मंदिर का? क्या मान्यता? मान्यता यही है जो कि औरत नहीं आती है, औरत का घुसना एकदम बिल्कुल निषेध है, यहाँ प्रवेश है। दूसरी बात है जो कि यहाँ बकरा बलि वगैरह होता है तो सिर्फ जेंट्स ही इसका प्रसाद खा सकते हैं, और मुंडी जो करता है वो माँ को भोग लग जाता है अंदर, जमीन के अंदर। नवरात्रा चल रहा है, नारी शक्ति की पूजा हो रही है, यहाँ भी आपका नारी की ही पूजा है? नारी यहाँ नहीं है, नारी का अलग रूप है, वो दुर्गा है और मेरा मंगल चंडी है। बहुत से सिस्टम है पांजी में, पोथी में, ग्रंथ में, इसीलिए हम लोग नारी को वर्जित किए हैं इस स्थान में। क्या भविष्य चल रहा है? नवरात्रि में दुर्गा जी का पूजा है, वो तो 9 दिन की पूजा करते हैं औरत, लेकिन यहाँ पुरुष ही करते हैं। महिला कितने दिन में पूजा करती है? यहाँ मंगल चंडी से यहाँ से करीबन 0.5 में 0.0 में आके अपना प्रसाद चढ़ा सकती है, वो खुद नहीं आ सकती। प्रसाद कौन लाते हैं? यहाँ का नया है, यहाँ सब लाते हैं, उनको फिर वापस कर देते हैं। सबसे वर्जित है कि औरत यहाँ प्रवेश नहीं करती है, बस इनका एक कारण है, हम लोग को आंखों देखी घटना है। जमकुदर गांव में एक औरत जो कि वो माइंड में डिस्टर्ब थी, और वो आके घुसी, और वो जो वैष्णो देवी मंदिर बनी है वो पहले वहीं थी अंदर, और वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दी माँ को, लेकिन उसका हम लोग देखे हैं जो कि उनका माइंड ठीक हो गया। एकदम मंदिर के 1 किलोमीटर पॉइंट में वो लेडीज की घर थी, और आके अचानक उठी और उनका ब्रेन ठीक हो गया। दूसरी बात, जब ये बाहर निकल गई तो फिर पिताजी को सपना दी, और सपना के अनुसार ये आपस में पूरा डिसाइड हुआ कि हम बाहर में ही रहेंगे, तो बस बाहर में इनका स्थापना हुआ। और अनेकों अनेक दूर से आदमी आते हैं तो उनका मनोस्कामना पूर्ण हो रहा है, खुशी हो रहा है, आनंद भी है। मान्यता है कि यहाँ माता रानी सदियों से यहाँ पे बसी हुई हैं, और पहले मंदिर यहाँ पे नहीं था। पहले मंदिर गांव, एक हम लोग का जो गांव है पुरनी बगियारी, वहाँ पे झाटोला, वहाँ पे मंदिर था। वहाँ पे माता रानी का एक क्या बोलते हैं उसको, कि मान्यता है कि माता रानी बंधन में नहीं रहती हैं, खुले जगह में रहती हैं। तो एक बार यहाँ के जो जहाँ पे जिनके घर पे रहते थे, उनके यहाँ स्वप्न आया, और उनको माता रानी का द्वारा स्वप्न आया, बोला गया कि हम वहाँ पे नहीं रहेंगे बंधन में, हमको ऐसा जगह में रखा जाए जहाँ पे लोग आना जाना बहुत कम हो। इसलिए ये जगह पहले एक जंगल था, तो वहाँ जो पंडित जी इन लोग सब मिल के यहाँ पे यहाँ मंदिर को फिर लाया गया और मंदिर के अंदर रखा गया। फिर माता रानी विचलित हो गई और मंदिर के अंदर नहीं रही, और अभी कुछ मंदिर जब नहीं रही उसके बाद ये खुला जगह बनाया गया, जिसमें जो कोई बंधन नहीं है, ये बिल्कुल खुला है, सिर्फ साइड में थोड़ा थोड़ा बाउंड्री किया हुआ है, और इसीलिए माता रानी यहाँ पे खुली जगह में रहती है। महिलाओं का प्रवेश माता रानी का अपना कृपा ही है कि माता रानी नहीं चाहती है कि महिलाएं हमारे यहाँ कुछ उनकी होगी। एक दो महिलाएं ऐसी एक बार अपनी जिद में आ चुकी हैं, और उनका दुष्परिणाम हुआ है कि उनका मानसिक स्थिति खराब हो गई और कुछ दिन बाद उनका देहांत हो गया।